तेरे जैसा ही है मेरा वाला, ठीक है तेरे से अच्छा मेरा है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत सालों बाद मैं वापस यूट्यूब पे आ चुकी हूँ और आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलेगी। तो मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि कैसे स्टार्ट करूँ। तो मैंने कल स्नैपचैट पे कुछ फोटोज डाली थी हेयर स्टाइल की, तो कुछ यहाँ पे जो अगर मेरे स्नैपचैट स्नैपचैट वाले देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैंने स्टोरी डाली थी। तो उसमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो वो ये हेयर स्टाइल है, वो वाला हेयर स्टाइल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो आई एम गोना ट्राई दिस हेयर स्टाइल नाउ, उसके लिए क्योंकि थोड़ा सा इजी भी है और वरना मैं सारा खेल ना कर्ल्स का है। तो पर मैंने अभी तक अपने बालों को कर्ल्स नहीं डाले हैं बिकॉज मैंने कल ही वॉश किए थे। और जैसे अगर मैं अपने बालों में हीट लगा लेती हूँ ना, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो एकदम से ऐसे अजीब से हो जाते हैं, तो मैं उसके बिना आज ये वाला हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करूँगी। मतलब हाँ, और एक दो और अगर हमारे पास टाइम रहा तो एक दो और बना लेंगे, पहले अगर यही बन गया तो बहुत बड़ी बात है। सो करें ट्राई, मतलब उल्टी दोनों साइड से कर रखे है, तो एक साइड की फोटो बट हम लोग दोनों साइड से करेंगे यहाँ से यहाँ एंड अ पोनी। दैट्स इट, तेरे बालों में कुछ भी नहीं बनने वाला, तेरे बाल ही छोटे छोटे देने अगलियाँ लता कर दिया ने, ऐसे 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 बाल छोड़ दिए हैं, ठीक है। इतने इतने बाल पकड़ के ये रबर बैंड डाल दी इस पे, यार रबर बैंड पाते इधर रबर डाल के रख लेते हैं, यहाँ पे भी रबर डाल के फिर जो पोनी बनावेंगे अदो है ना खोल लेंगे। तू मेरा हेयर स्टाइल कर, मैं तेरा हेयर स्टाइल करती हूँ। हेयर स्टाइल तेरे वाला छोटे छोटे वाला, फिर एक एग्जांपल मिल जाएगा ना, है ना। कल ऐसा हो जाएगा कि इसके छोटे वालों में भी ट्राई करके देख लेते हैं कि छोटे बाल वाले भी बना सकते हैं नहीं, और मेरे लंबे बाल वालों में तो बना ही लेंगे। तो हाँ ओके, पोनी पता है पोनी ऐसी कितना करनी है? खोल के जेडी बाकी बचदी है ना वो वाली आले दुआले घूमनी है जी, इसको इसको जितना बाहर निकाल सकते ताकि फ्लफी फ्लफीनेस उतनी दिखे। मैं तो वैसे कह रही थी कि और ज्यादा मोटी ले लेते ब्रेड हो जाने, मैंने पता है इदा खिंचेंगी है ना, इदा इदा खिंचनी बेटा। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो आगे प्रिंसिपल है हम, कभी पूछ लेना अपने स्कूल में जाके कि मैडम सिमरनजीत कौर को जानते हो, वो कहेंगे हाँ हाँ हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल, हाँ हाँ हम नहीं जानते हैं नहीं, हाँ हाँ हमारे यहाँ प्रिंसिपल थी। या मैं तो कह रही हूँ इसको बीच में ले लेते हैं, फिर बाल जेड़े बाल आ रहे हैं यार पूरा कवर नहीं होना, और कितना ओदे बाल बहुत ज्यादा इदा ने फ्लफी फ्लफी, चलो करो बीच में ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਪੋਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਭੈਣੇ ਦੇ ਸੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਥੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕ ਇਥੋਂ ਵਾਲ ਦਾ ਕੱਢ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਸ ਵਈ ਹੈ ਕਰਲ ਕਰਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਉਨੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਫੀਨੈਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਯੂ ਪਿੰਸ ਇਸਕੋ ਉਹ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ हुआ
यार वही है बस कर्ल करने हैं बाल है ना। बाकी हो तो गया ही है। चलो एकदम 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 वो नहीं बना, मतलब सेम नहीं बना है, बट आई थिंक 50% तो सेम बनी गया है ना। बस कर्ल्स नहीं डाले उसके, विदाउट कर्ल्स वाला हेयर स्टाइल ये होगा, क्योंकि हम लोग रोज तो ऐसे लोग नहीं है कि रोज हम कर्ल्स डालने बैठे हैं और फिर हेयर स्टाइल करें। तो अगर देसी देखना है तो फिर ये है ना। आहो तो अब मैं ट्राई करूंगी इसमें। ओके सो इसने जो हेयर स्टाइल बनाया है वो आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं कैसा बनाती हूँ लेट्स सी। मैं ना बोल गई थी कर दी की पहिया में मैंने करनी मैं बस बाल के जिन्ना टाइम लाता है मैं मीटिया दो खाती है कासकी थोड़ी करनी है नहीं कासकी करके फिर बाद चुके लिए लिया नहीं Nonsense बड़ी फिर सारे तो लिया हो गया मैं तो बहुत पीछे स्टार्ट कर दी नहीं इतनी सी शायद आओ मेरे भी पीछे ही है। हाँ देखो मैं तेरा अपनी स्टाइल रन कर दी हूँ फ्रेंची आंधी वाली करनी है नहीं देखो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा टेंशन मत ले। हम यहाँ मेहनत करें आप चलाओ फोन तो कैसे चलेगा रे बाबा। आ की सिगा आ ही तो कर दे ले मेरा कद्दू जैसा मुंह आ रहा है कद्दू में तो कद्दू भर गए एक तरफ से हो गए आ की सिगा मैं करती हूँ कर देख मेरा वाला पूरा पिचकू लग रहा है और मैं तेरा वाला इधर स्टार्ट किया है। हाँ देख कितनी तो हैगी है इन मैं वो करांगी खुला करांगी अभी तक एक बार सारे पोनी से बाहर आ जाने ने हैगा कि मेडिया ने ये समझ तो बाहर है मेरी समझ तो बाहर। हाँ कोई बात नहीं जब ना हेयर स्टाइल बन जाएगा तब तेरे समझ में आ जाएगा ठीक है। बनूंगा तो आऊंगा और मैं इधर सिंपल वाला कर देनी है इसमें दिख रही है परफेक्शन ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोर्स ही कर रखा है। तेरी शादी में मैं तुझे रेडी करूंगी ठीक है। थैंक यू यार गाइस इसकी शादी होने वाली है बस थोड़े दिनों में बोले तो पता है इसके अंदर ना अगर बीड्स हो हमारे पास सोने लग कर यार जिदा ना किता है तेरे बाहर ही बिंदे ने। अच्छा यार देख ये तो सही है रुक जा अब तेरे बाल छोटे छोटे अब निकल रहे हैं साइड से वो मेरी क्या गलती है वो तेरे बालों की गलती है ठीक है उनको बोल के ना आए बाहर। मेडी वो सोनी कितनी है मेडी सोनी कितनी है बेटा अभी बच्चा हम लोगों को पता नहीं है अभी तक ये लो हर चीज में भी ऐसे नहीं कि बाल यहाँ से भी निकलना चाहिए वहां से नहीं निकलना चाहिए हाइट भी बड़ी है ठीक है वैसे नहीं है तो बड़ी पीछे से बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ सच में सही कर रहे कितना की है यार तेरी कटिंग वो वैसी है मेरे मेरे हाथों को कोई दोष नहीं है देखो गाइस अब मेरा ज्यादा अच्छा लग रहा है किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरा ही अच्छा लग रहा है तो कितना मैं नहीं अच्छा लग रहा है दिखाए हो साइड से ये चीज बहुत प्यारी आ रही है
मैं कितना ज्यादा सोना आ गया है। खिस गई। ये देखिए ये क्या नीचे आ रहा है, ये जो नीचे आ रहा है। एक मिनट, हाँ हाँ, अब क्यों ठीक कर रही है, अब क्यों ठीक कर रही है। चल, हाँ हाँ हाँ, हो गया। अब पूरा दिख रहा है, पीछे से बहुत सुंदर लग रहा है, मैं तेरे को सच बता रही हूँ। ये तो अभी हमने फर्स्ट टाइम कर रखा है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है, वरना अगर हम लोग प्रोफेशनल हो रहा तो बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं दूसरी बारी में अच्छा बना दूंगी, मैं सच में कह रही हूँ। देख इतना, चल ये वाले पहले साइड पोज देते हैं, है ना। तो ये साइड से है जो इसने बनाया है, ठीक है। ये एंड दिस वन, ये फ्रंट लुक, ये साइड से, ये साइड से। और कितना प्यारा लग रहा है, मैं सच में तुझे बता रही हूँ, कसम से बहुत अच्छा। गर्ल्स, ये रहा हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, और जैसी हालत लग रही है तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें दूसरा हेयर स्टाइल भी ट्राई करना चाहिए। मतलब दूसरा हेयर स्टाइल हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ये एकदम फर्स्ट टाइम था, वरना दूसरे हेयर स्टाइल के लिए मैं एक बार घर पे प्रैक्टिस करूंगी, फिर ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी। हाँ, तो आज ये फर्स्ट टाइम था तो हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एकदम प्रोफेशनल होके आऊंगी, ठीक है गाइस। तो टेंशन मत लेना, कोर्स करा देना। हाँ, मुझे कोर्स कराएंगे। हाँ, ये कराएंगी मेरे को कोर्स, क्योंकि इन्होंने खुद भी कोर्स कर रखे हैं ना, टाइम पास ही कर रखे हैं, कुछ नहीं किया। जिसे एक हेयर स्टाइल नहीं बनाने आया, इतना वो करने के बाद तेरे जैसा ही है मेरा वाला, ठीक है। जो मैंने किया वो ज्यादा अच्छा है, नहीं जो मैंने किया वो ज्यादा अच्छा है। ये वाला देख, मैं तो एटलीस्ट यहाँ से लेके गई हूँ, और मुझे कहती छोटी छोटी बनानी है, छोटी छोटी बनानी आती, तो मैंने यहाँ से चल अपने अपने हाथों से साफ कर रखा। तो ये मैंने स्टार्ट किया था, आगे तूने कर रखा है वो, तो फिर तो ठीक है। आप लोग बताना कि कमेंट्स में कि किसने ज्यादा अच्छे हेयर स्टाइल किया है, कौन जीती हूँ, मैं जीती हूँ कि ये जीती है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय। कर लो बाय बाय, इसे कर लो बाय, कर दे बाय, बाय कर दे।